Hi guys, so welcome back to Foodie Fairy and we are back again with another video. So this video is compiled back to back 5 amazing mithai recipes. The first one is paneer barfi. So don't forget to let me know in the comment section if you like this video and please stay tuned. तो हमने लिया है 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, जिसमें आधा पनीर हमने कद्दूकस यानी कि ग्रेट किया हुआ है और आधा पनीर हमने हाथ से मसल करके क्रम्बल कर लिया है। इसको हम पैन में ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा जाएगा 200 ग्राम्स ऑफ मिल्कमेड। मैं मिल्कमेड की भी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूंगी, मे बी नेक्स्ट वीडियो में ही हम शेयर करेंगे आपके साथ में हमारी मिल्कमेड की रेसिपी। 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर हमने लिया है एंड यहाँ पर हमने 1/2 कप मिल्क लिया है। तो एक चीज और इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो मैं शेयर करूंगी, आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। प्लीज इसे हाई फ्लेम पे ना कुक करें, क्योंकि अगर ये जरा सी भी लग गई तो इसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। सो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे कंटिन्यूअस स्टर करते हुए। स्लोली स्लोली आप नोटिस करेंगे कि जो पूरा पनीर और पूरा जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे थिक होने लगा है। अगर कोई भी पनीर का पीस आपको बड़ा लग रहा है तो आप स्पैचुला की हेल्प से उसको अच्छे से मसल करके उसको फाइन कर सकते। तो 6 से 7 मिनट के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 टेबल स्पून ऑफ इलायची यानी कि कार्डमम पाउडर और फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इफ यू वांट यू कैन ऐड सैफरन मिल्क। आप सैफरन को या केसर को दूध में भिगो करके कुछ देर के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यूस स्टर करते हुए हम इसको चलाते रहेंगे, देखेंगे आप इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा थिक और गाढ़ा हो जाएगा और एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये घी छोड़ने लगेगा और आपका मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है। गैस को ऑफ कर देंगे एंड देन उसके बाद हम इसे अपनी जो मोल्ड है या जो आपकी ट्रे है आप उसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे मेरा एक स्क्वायर केक टिन है, हमने वो लिया है। अगर आपके पास कोई थाली या कोई भी चीज़ है जिसमें आप प्रेफर करें उसमें अच्छे से घी लगा लें चारों तरफ, तो ग्रीस करने से ये चिपकेगा नहीं पैन में या जो भी आप बर्तन यूज कर रहे हैं। तो मिक्सचर हमारा हल्का हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमने जो बर्तन ग्रीस किया है उसमें हम डाल देंगे और अच्छे से उसको स्प्रेड कर देंगे। सिलिकॉन स्पैचुला की मदद से आप इसे लेवल कर दें। अगर आपके पास सिलिकॉन स्पैचुला नहीं है तो आप किसी फ्लैट कटोरी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या किसी फ्लैट बर्तन का यूज कर सकते हैं इसको लेवल करने के लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे नट्स। हमने यहाँ पे आलमंड चॉप किए हैं, 6 से 7 आलमंड हमने चॉप किए यानी कि बादाम, और उसके ऊपर हमने कुछ पिस्ता चॉप किया था तो वो हम इसे डाल देंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। आप इस पर चांदी का वर्क भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, अदरवाइज ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगती है। सो इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे सेट हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आप उसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो आपके स्वीट में पूरा अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो 3 से 4 घंटे के बाद आपकी ये मिठाई सेट हो जाएगी। सो इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आप कोई और भी रेसिपी चाहते हैं जो हम आपके लिए इस रक्षाबंधन पर लेके आए, सो प्लीज़ उसे भी मेंशन करें। आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो देखिए रेडी है, बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और ये रेसिपी पहली बार देख रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो हमारी पनीर की बर्फी रेडी है, बहुत ही टेस्टी होती है। आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो सेकेंड रेसिपी इज कोकोनट लड्डू। ये बहुत इजी और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बन जाता है और अगर आप फेस्टिवल में लाइक 2-3 मिठाइयों का ऑप्शन रखना चाहते हैं सो दिस विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रेसिपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग 2 कप्स ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का जो आपका पाउडर होता है या जो बूरा होता है वो हमने ले लिया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे फॉर 3 to 4 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। मेक श्योर ये जलना नहीं चाहिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, जस्ट हल्का हल्का भून जाइए आपका। तो धीरे धीरे इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम इसको भूनेंगे और अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं या चाहें तो इसमें 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली ऑप्शनल। आप इसको धीरे धीरे चला के भूनेंगे। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑफ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैंने रिसेंटली ही अपलोड की थी। आई विल पुट इन द आई बटन सो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सो एट दिस स्टेज जो आपका फ्लेम होगा वो एकदम लो पे होगा और धीरे धीरे चलाते हुए हमारे जो डेसिकेटेड कोकोनट है और जो हमारा कंडेंस मिल्क है ये हम दोनों मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली।
तो कोकोनट लड्डू के लिए आपको चाहिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट, जिसमें से 2 हम इसमें डाल चुके हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको कोई भी मिठाई बनानी नहीं आती है तो डू ट्राई दिस वन, दिस इज वेरी इजी। अब इसमें जाएगा 1/4 कप ऑफ मिल्क। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, जो कि इलायची पाउडर। हमने 1 टेबल स्पून ऑफ इलायची पाउडर यहाँ पर यूज किया है। अब वापस से इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे ताकि आपको इसको लड्डू बनाने में इजी हो। सो एट दिस स्टेज यू कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑल्सो, सो दैट आप मेक श्योर हो जाएं कि ये लड्डू एकदम सही बनेंगे। सो थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और बस इसे रोल करके हम उसे देखेंगे कि वो लड्डू के फॉर्म में आ जा रहे हैं। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो दैट मीन्स आपका जो मिक्सचर है वो रेडी है लड्डू के लिए। अब हमने जो मिक्सचर है वो एक प्लेट में निकाल लिया है और एक प्लेट में हमने ले लिया है हमारे जो थोड़े से एक्स्ट्रा डेसिकेटेड कोकोनट था, जिसको हम ऊपर से लेयर करेंगे। तो छोटे छोटे ऐसे पीसेस निकाल करके एंड देन उसको हम हाथ से ऐसे रोल करते हुए लड्डू बना लेंगे लड्डू के शेप में। सो देखिए कितना ईजी है। जस्ट इसके बाद हम इसकी कोटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा जो हमारा ड्राई कोकोनट पाउडर या जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट है उससे, और हमारा लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। सो यू कैन सी हाउ ईजी इट इज़ टू मेक इट एट होम। सो अगर आपको कुकिंग नहीं आती है और अगर आप अपने भाई को इम्प्रेस करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक होममेड लड्डूज फॉर योर ब्रदर। एंड डेसिकेटेड कोकोनट आपको बाजार से लेना होगा, बाकी सब चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं। सो किसी भी इंग्रेडिएंट के लिए आपके कोई मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। धीरे धीरे आप इसे हल्के हाथों से ऐसे रोल करते हुए फिर उसे कोट करते हुए सारे लड्डू रेडी कर सकते हैं। सो अदर देन कोकोनट लड्डू मैंने और भी रेसिपी अभी अपलोड करी है रिसेंटली अपनी रक्षाबंधन सीरीज पे। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट इन माई चैनल, एंड इफ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो बातों बातों में हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार। आप इसे तुरंत सर्व कर सकते हैं या चाहे तो फ्रिज में स्टोर करके भी सर्व कर सकते हैं। सो आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक, सी हाउ ब्यूटिफुल। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट यू नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट मिठाई फॉर दिस फेस्टिवल इज बेसन की बर्फी और बेसन की मिठाई। सो वॉच ऑल द स्टेप्स टू गेट एन अमेजिंग आउटकम ऑफ इट, स्टे ट्यून्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर टेकिंग 1 कप ऑफ देसी घी। एक फुल कप हमने देसी घी का लिया है। सो आप इसकी जगह पे इसका सब्स्टिट्यूट रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, बट बेसन की मिठाई का जो टेस्ट होता है वो घी में बहुत अच्छा आता है। सो उसकी जस्ट डबल क्वांटिटी का हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है। हमने 2 कप्स ऑफ बेसन लिया है। सो बेसन और घी का जो रेशियो होगा 1:2 का होगा। दैट मीन्स अगर आप 1/2 कप ऑफ घी ले रहे हैं सो आप 1 कप ऑफ बेसन लेंगे, और अगर आप 1 कप ऑफ घी ले रहे हैं सो आप 2 कप ऑफ बेसन लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे मिक्स करके हम इसको चलाना शुरू करेंगे। सारे लम्स इसमें ख़त्म हो जाने चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम धीरे धीरे करके भूनेंगे। आप देखेंगे कि सारा घी जो है वो बेसन में अब्जॉर्ब हो गया है, बट यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बेसन होता है वो स्टार्टिंग में सारा घी ऐसे ही ले लेता है, एंड देन उसके बाद में जब वो भुनना शुरू होता है तो अपना घी सारा छोड़ना शुरू कर देता है। कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे। इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो बीच में अगर आप चाहें तो फ्लेम स्लो करके अपने जो भी पैन आपको यूज़ करना है जमाने के लिए बर्फी या सेट करने के लिए, उसको आप ग्रीस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने केक टिन का यूज़ किया है। आप थाली या कोई भी ऐसी गहरी प्लेट या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आप मिठाई को जमाते हैं वो आप ले सकते हैं। सो देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि जो बेसन में से घी है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में अराउंड 15-20 मिनट्स लगता है। धीरे धीरे आपका जो बेसन है जो घी है वो अच्छे से मिक्स होकर भुनना शुरू हो जाएगा। आपको एक अच्छी सी महक भी आने लगेगी, एंड स्लोली स्लोली जो कलर होगा वो भी बेसन का टर्न होने लगेगा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा यहाँ पे। कुछ लोगों को मिल्क से बनी हुई मिठाइयाँ नहीं पसंद होती हैं, सो आप ये बेसन की मिठाई बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है। सो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जो घी है वो रिलीज होना शुरू हो गया है। इसके अलावा बेसन की मिठाई के अलावा भी हमने रेसिपी शेयर की है। इनफैक्ट हम आने वाले टाइम में और भी मिठाइयों की रेसिपी शेयर करेंगे। सो डू ट्राई दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो देखिए धीरे धीरे पूरा घी जो है वो रिलीज हो रहा है और जो बेसन है वो ब्राउन हो रहा है। अब हम अपनी चाशनी भी रेडी कर लेंगे इसको स्लो करके। तो चाशनी के लिए हमने लिया है 1 कप ऑफ शुगर, और सेम ही क्वांटिटी में हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे।
चाशनी आप चाहें तो इसके साइमल्टेनियसली साथ साथ भी बना सकते हैं बेसन भुनने के साथ साथ, क्योंकि चाशनी में भी अराउंड 10 मिनट्स हमें लगते हैं इसको चाशनी प्रिपेयर करने में। और जो इसकी चाशनी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक एक तार की चाशनी होती है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। चाशनी बनाते वक्त हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ इलायची पाउडर डाल दिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इलायची के पाउडर की जगह पर आप पूरी इलायची को हल्का सा ब्रेक करके भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपकी चाशनी रेडी हो जाए तो आप इन छिलकों को या फिर इनके जो कवर होते हैं उनको निकाल के हटा सकते हैं। तो हम चाशनी को चेक कर लेंगे इफ़ इट इज़ रेडी और नॉट। और अगर ये देखिए अभी भी ये रेडी नहीं है, इसमें तार नहीं हो रहा है, तो हम इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे। और अब ये रेडी हो चुके, आप देख सकते हैं कितना क्लियर इसमें तार दिख रहा है। सो हम इसे बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा ज़्यादा कुक करेंगे तो ये दो तार की चाशनी हो जाएगी और ये दिक्कत करेगी फिर। अब धीरे धीरे चाशनी इसमें डाल के मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल भी ठंडा ना करें इस मिक्सचर को, दोनों को साथ में मिला लें। एक चीज़ जो मेरे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो ये थी कि मैंने 1/4 कप ऑफ मिल्क भी यहाँ पर ऐड किया था। सो उससे क्या होता है, उससे सेट होने में इजी होता है, चाशनी फटाफट से जम जाती है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं सो आप इसमें 1/4 कप ऑफ मिल्क इसमें ऐड कर लें और फटाफट से इस मिक्सचर को ज़्यादा टाइम ना लगाएं, 30 सेकेंड्स के अंदर आप इसे फटाफट सेट करने के लिए रख दें। अब आप इसे किसी फ्लैट स्पैचुला या किसी फ्लैट बर्तन की मदद से एक इक्वल एकदम बराबर कर लें। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमने मिल्क ऐड किया है तो इसीलिए बर्फ़ी इतनी जल्दी नहीं जमेगी, क्योंकि अगर आप मिल्क नहीं ऐड करते हो तो चाशनी और बेसन इतनी जल्दी सोक कर लेता है कि फटाफट से आपकी बर्फ़ी जम जाती है और कई बार ये बहुत दिक्कत भी हो जाती है। तो जस्ट आपको 1/4 कप ऑफ मिल्क यहाँ पे ऐड करना है अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। उसके ऊपर हमने थोड़े से पिस्ता यहाँ पर चॉप करके रखे थे फाइनली, उसको हमने डाल दिया फॉर द डेकोरेशन। आप कोई और भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो आप प्रेफर करते हैं उसे चॉप करके डाल सकते हैं। अब अगेन हम किसी स्पैचुला की हेल्प से इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें सेट हो जाएं। इसको हम अराउंड 6 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, मेक श्योर आप इसे फ्रिज में ना रखें। तो 6 से 8 घंटे के बाद जब ये जम जाए तो आप चाहें तो इसे प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बट ये इतनी टेस्टी होती है कि फटाफट से ख़त्म हो जाती है, बेसन और घी का टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग है इसमें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारी अगली रेसिपी है मिल्क पाउडर की बर्फी। ये भी बहुत इजी स्टेप्स में बन जाती है, तो इसे ट्राई करें, बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन कर लेंगे एकदम लो पर और फिर लेंगे 1/4 कप ऑफ देसी घी। उसमें ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा शुगर, यहाँ पे जाएगा 1/3 कप ऑफ शुगर। यहाँ पर शुगर आपको नॉर्मल लेनी है यहाँ पे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे हम हमारा मिल्क, 1/2 कप ऑफ हमने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है, और फिर सबको मिक्स कर लेंगे। तो शुगर आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है इस मिठाई में, अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून शुगर बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल या थोड़ी कम शुगर पसंद है तो इतनी शुगर काफ़ी होगी इसके लिए। तो फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रहेगा और इसको लगातार ऐसे हम कंटिन्यूस स्टर करते हुए हम इसको आगे इसको कुक करेंगे। और आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे ये पूरा गाढ़ा होने लगेगा और आपकी जो शुगर है वो इसमें मेल्ट हो जाएगी। सो मिल्क पाउडर की बर्फी इज़ वन ऑफ दोज ईजीएस्ट मिठाई, अनलाइक जो बाकी मिठाइयाँ होती हैं जिनमें थोड़ी सी इन्ग्रीडियंट और थोड़ी सी ट्रिक ज़्यादा होती हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, आप घर पर बना सकते हैं। फेस्टिवल्स आने वाले हैं और अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। सो यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दिया है क्रश की हुई इलायची अराउंड 1 टेबल स्पून। अब हम इस इलायची को इन सारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली। अगर आप चाहें तो फ्लेम को यहाँ पे मीडियम से लो पे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब गाढ़ा हो जाएगा आपका मिक्सचर तो उसके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, धीरे धीरे ये बननी शुरू हो जाएगी, मतलब ये नीचे से लगनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब ये घी छोड़ने लगे इसका मतलब है आपकी मिठाई रेडी है सेट होने के लिए। तो इस कंसिस्टेंसी तक आने में आपके इस पूरे मिक्सचर को अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। फ्लेम आपका मीडियम टू लो ही होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी मिठाई लग रही है सो आप इसे फटाफट से लो फ्लेम पे कर दें, और बट मीडियम से ज़्यादा फ्लेम नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गई, इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे।
अब एक पैन लेंगे या जो भी बर्तन है आपका मिठाई वाला उसको हम ले लेंगे, उसको हम ग्रीस कर देंगे। तो जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ईजी होता है मिठाई को निकालना। सो ये मिक्सचर जाएगा अब इसमें और धीरे धीरे ये ठंडा होने लगेगा और गाढ़ा होने लगा है। सो इसको फटाफट से इसको ट्रांसफ़र कर दें और लेवल अप कर दें। अगर आपको दिक्कत हो इसे लेवल अप करने में तो आप हल्का सा अराउंड 1/4 टेबल स्पून ऑफ घी भी ऐड कर सकते हैं, दैट विल मेक योर जॉब ईजी। आप इसको बहुत आसानी से फिर चिकना हो जाएगा ये, और बस इसको इसी तरीके से लेवल कर देंगे चारों तरफ से। आप कोई और बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हमारे केक टिन का यूज़ किया है जो स्क्वायर शेप में है। आप किसी थाली या किसी गहरे बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब ये लेवल अप हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे चॉप ड्राई फ्रूट्स। हमने आलमंड्स पिस्ता लिए हुए हैं और फाइनली चॉप कर दिया, एक अच्छी लेयर हमने यहाँ पे ऐड कर दी है ताकि इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाए। इससे इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे मैक्सिमम आप इसे दें सेट होने के लिए। उसके बाद चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इस मिठाई को स्टोर ज़रूर करें फ्रिज में क्योंकि मौसम बहुत ह्यूमिड है, सी ये सेट हो चुकी है। तो अगर आप इसे बाहर रखेंगे इस ह्यूमिड मौसम में तो ये थोड़ा सा ख़राब हो सकती है जल्दी। तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करें। उसके बाद हम इसे एक शार्प नाइफ से कट कर लेंगे। मिठाई की कटिंग भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप इसे रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, डायमंड में, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। सो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। प्लस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ आर रेसिपी यू कैन लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड यू कैन DM us ऑन इंस्टाग्राम। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो सी आई कैन गिव यू अ क्लोजर लुक कितनी परफेक्टली सेट हुई है और कितनी ब्यूटीफुल ये लग रही है। ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिना गुलाब जामुन हमारे इंडियन फेस्टिवल अधूरे हैं। सो इस फेस्टिवल इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है। उसके बाद हमने 1/2 कप मैदा लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है यहाँ पर और 2 टेबल स्पून घी लिया है। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। तो घी और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को हल्के हाथों से हम ऐसे मिक्स करते हुए इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको हमें से डो बनाना है। अगर आपको चेक करना है ये डो बनाने के लिए रेडी है कि नहीं, सो हाथों के बीच में आप जो ये मिक्सचर उसको ऐसे बांध करके देखेंगे लड्डू बना करके, अगर ये बंध जाता है फिर क्रम्बल हो जाता है इसका मतलब ये रेडी है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ मिल्क। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से धीरे धीरे इसमें जो हमारा मिल्क है उसे ऐड करते हुए हम इसका डो रेडी करेंगे। एक साथ सारा मिल्क ना डालें, आपको 1/4 कप के बाद भी इसमें थोड़ा सा मिल्क की जरूरत पड़ेगी। सो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड ऐड एंड मेक अ डो आउट ऑफ इट। इंग्रेडिएंट के मेजरमेंट्स बहुत परफेक्ट रहने चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज आपका जो गुलाब जामुन है वो फट भी सकता है। सो इंडियन मिठाइयाँ थोड़ी ट्रिकी होती हैं। सो सी इसमें हमने थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया और हमने इसका डो रेडी कर लिया है। अब इस डो को हम ढक करके 10 मिनट्स के लिए रख देंगे और बस उसके बाद हमें रेडी करेंगे हमारी चाशनी। तो गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं। हमने लिया है 2 कप्स ऑफ नॉर्मल शुगर, यानी कि 2 कप हमने नॉर्मल वाली चीनी इस्तेमाल की है। उसमें हमने ऐड किया है 1 कप प्लस 3/4 कप पानी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा स्टिकी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सिरप नहीं बनाना है यहाँ पे। तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे अब हमारा। अगर आपका शुगर सिरप या चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो आपके जो रसगुल्ले होंगे वो अच्छे से सोख नहीं हो पाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा वाटरी होगी तो उससे क्या होगा, आपके जो गुलाब जामुन होंगे या जो रसगुल्ले होंगे वो बहुत ही सौगी बनेंगे, सो वो अच्छे नहीं लगेंगे। सो आपको यहाँ पे जब चीनी घुल जाए सो 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। इसी बीच हमने इसमें ऐड कर लिया है अपनी इलायची छोटी वाली ब्रेक करके। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें, चीनी घुलने के बाद आपको 6 से 7 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। एंड देन उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा गुलाब जल। और बस बहुत ज़्यादा स्टिकी हमें चाशनी बनानी नहीं है, एक तार से थोड़ी सी पतली चाशनी रहेगी इसकी। सो बस इस चीज़ को मिक्स कर देंगे। गुलाब जल का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इंडियन मिठाइयों में, मैंने अपनी फिरनी में भी ऐड किया था अगर आपने देखा होगा। सो देखिए इसमें हमने ऐड कर दिया है 1/2 लेमन ताकि हमारी चाशनी साफ हो जाए और जमे नहीं यहाँ पर। तो चाशनी का हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और जब तक हमारे गुलाब जामुन हम फ्राई करेंगे तब तक चाशनी की हल्की सी गर्माहट कम हो जाएगी। हल्के हाथों से इसे नीड कर लें
और उसके बाद बस इसके छोटे छोटे हम ऐसे गोले बना के हाथों के बीच में अपने गुलाब जामुन रेडी करने हैं। मेक श्योर आप इसे अच्छे से प्रेस करते हुए और इसे राउंड करते हुए हाथों के बीच में घुमाते हुए इसका गुलाब जामुन बनाएं, अदरवाइज ये फट सकते हैं। और आपका तेल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए बिफोर फ्राइंग इट। जो बात आपको ध्यान देनी है वो ये है कि तेल आपका गर्म होना चाहिए बट फ्लेम आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए जब भी हम इसे फ्राई करें, क्योंकि अगर बहुत हाई होगी तो अंदर तक पकेंगे नहीं ये और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन या ब्राउन ज्यादा हो जाएंगे और अंदर तक ये पकेंगे नहीं। तो इसीलिए कंटिन्यूस स्टर करते हुए हमें इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। और अगर आप ये रेसिपी मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैंने और भी मिठाइयों की रेसिपी रिसेंटली अपलोड की है सो उसे भी जाके जरूर देखें और बाकी रेसिपीज को भी जरूर देखें। सो देखिए धीरे धीरे ये कैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बट हाँ ये कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं गुलाब जामुन बनाते वक्त। अगर ये फट रहे हों तो इसका मतलब आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं है। ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखें तो गुलाब जामुन आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। सो इफ देर इज एनी अदर रेसिपी विच यू वॉन्ट एस टू ब्रिंग इट ऑन आर चैनल सो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। प्लस अगर आप चाहें सो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मेरे सारे सोशल हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो आप हमें जाएं फॉलो करें और वहां पे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करते हैं। सो सी धीरे धीरे ये हो चुके हैं रेडी चाशनी में जाने के लिए। सो निकाल लेंगे इसे टिश्यू पेपर पे, इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन आप कर लें रेडी और बस ये डायरेक्टली जाएंगे चाशनी में। और उसके बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देंगे ताकि चाशनी जो है वो अंदर तक चली जाए। और बस उसके बाद आप इसे सर्व करें अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को, रक्षाबंधन पे बनाएं। और डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू ट्राई दिस रेसिपी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।